नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं डॉक्टर दिलीप नलगे लो स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि ठंड के दिनों में हमें अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखना है हेमंत और शिशिर ऋतु ये ठंड के सीजन्स होते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी तक तो इसीलिए इन ठंड के दिनों में हमें अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है कौन कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है किस प्रकार से आहार रखना है किस प्रकार से विहार रखना है ठंड के दिनों में तो क्या होता है कि दिन छोटे और रातें जो हैं वो लंबी होती है। तो हैं तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ठंड के दिनों में हम थोड़ा धूप का सेवन भी करें जिससे हमें विटामिन डी भी मिलता है और उससे एक गर्मी भी, भी मिल जाती है थोड़ा सा आतप सेवन जो आयुर्वेद में एक लंघन का प्रकार बताया है वो एक टाइप का ट्रीटमेंट भी हो जाता है धूप में बैठने से तो इसीलिए ये सब बातें हमने आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर की अभी आज हम बात करेंगे वो अगला जो ऋतु है क्योंकि जैसे जैसे शिशिर ऋतु पूरा होने लगता है तो ठंड धीरे धीरे खत्म होते होते धीरे धीरे गर्मी का आगाज शुरू हो जाता है तो जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है सूर्य की तप्त किरणें सबके शरीर पर पड़ने लगती हैं, तो हेमंत और शिशिर ऋतु में जो मधुर आहार का सेवन किया है उसकी वजह से जो कफ संचित होता है तो वो कफ ठंड जब तक है तब तक तो कुछ होता नहीं वो केवल इकट्ठा होता रहता है जैसे कोई बर्फ जैसे जम जाती है ऐसे शरीर में भी कफ जो है वो जमा होता रहता है लेकिन जैसे ही सूर्य की तप्त किरणें उसके ऊपर पड़ने लगती है तो वैसे वैसे वो कफ़ जो है वो पिघलने लगता है और वो फिर अलग अलग बीमारी के रूप में हमें महसूस होने लगता है उसको कहा गया है कफ का प्रकोप तो वसंत ऋतु जो है जो इसको वसंत ऋतु कहा जाता है तो वसंत ऋतु में कफ़ दोष का प्रकोप होता है तो उसके कारण फिर सर्दी खांसी गले की प्रॉब्लम ये सब इन दिनों में ज़्यादा देखी जाती है अभी क्या होता है जैसे ही ठंड का सीजन खत्म होता है गर्मी शुरू होती है तो लोग फटाफट जो है वो ठंडा पानी पीना शुरू करते हैं लेकिन इमिजिएटली अगर आप ठंडा पानी पीना शुरू करेंगे तो निश्चित और निश्चित रूप से आपको कफ की प्रॉब्लम्स होंगी ही तो अगर उससे हमें बचना है तो गर्मी शुरू होने के तुरंत बाद माना कम से कम मार्च महीने में पूरे मार्च महीने में तो हमें नॉर्मल वाटर या थोड़ा सा गर्म वाटर अगर पी सकते हैं सुबह शाम में तो गर्म वाटर और दिन में नॉर्मल वॉटर इस प्रकार से ही हमें पानी का यूज करना चाहिए पीने के लिए और उसके साथ साथ ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वसंत ऋतु में हमें आहार किस प्रकार से करना है वैसे तो शॉर्ट में मैंने ये पिछले एक एपिसोड में बताया था लेकिन अभी फिर से आपको ये बताता हूँ कि वसंत ऋतु की शुरुआत जो होती है जनरली एक गुड़ी पड़वा नाम का जो त्यौहार है उसके बाद चैत्र महीना शुरू हो जाता है और ये वसंत ऋतु शुरू हो जाता है वसंत ऋतु की जब हम बात करते हैं तो वसंत ऋतु में क्या होता है अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं उनमें बहुत सुंदर फ्लॉरिंग सीजन होता है बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो है वो इस सीजन में दिखाई देने लगते हैं ऐसा लगता है कि प्रकृति में एक नव चैतन्य उत्पन्न हो गया है तो वसंत ऋतु में जो दिखाई देता है अलग अलग प्रकार के पंछी और बहुत सुमधुर जैसे कोकिला का स्वर भी सुनाई देता है इस सीजन में तो ये जो सीजन होता है इसमें मुख्य रूप से मैंने जैसे बताया कि कफ दोष प्रकूपित हो जाता है अब उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो इन दिनों में माना खास करके वसंत ऋतु में हमारा आहार इस प्रकार सा, इस प्रकार का होना चाहिए जो कफ दोष को कम करे या कंट्रोल में रखे तो कौन से ऐसे रस हैं जो कफ दोष को कंट्रोल में रखते हैं तो वो है कड़वा तीखा कशैला ये जो तीन रस हैं, ये कफ को कम करते हैं और मीठा खट्टा और नमकीन ये कफ को बढ़ाते हैं तो इसीलिए कड़वा तीखा कशैला और गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं वो हमें इस ऋतु में लेनी चाहिए जिससे कफ कंट्रोल में आए देखिए इसका प्रातिनिधिक रूप में गुड़ी पड़वा के दिन लोग जो है वो नीम के पत्ते जो कड़वे होते हैं और गुड़ जो गर्म तासीर वाला होता है उसका सेवन करते हैं तो कम से कम ये वसंत ऋतु में हमें इस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए जिससे कफ कंट्रोल में रहे उसके साथ साथ इस सीजन में जो कफ प्रकोपित हो जाता है और वो जाठराग्नि को क्या कर देता है मंद कर देता है और आयुर्वेद ने तो ये कहा है कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो मंद अग्नि है रोगाह सर्वे मंदे अग्नऊ तो इसीलिए इन दिनों में खास हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि एक तरफ तो ठंड खत्म भी हो गई है गर्मी शुरू भी हो गई है लेकिन गर्मी शुरू होने के बाद भी हम उतना ज्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कफ के प्रकोप का ये समय है और इन दिनों में खास करके अदरक जो है ये हमें खान पान में उसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि अदरक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल भी होती है और ये कफ को कम करने में इसका बहुत बड़ा अच्छा रोल है तो इसको सब्जी में भी अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ साथ तुलसी के पत्ते जो हैं वो भी कफ कम करने में मदद करते हैं जो काली मीरी जो होती है काली मीरी भी कफ को कम करने में बहुत यूज़फुल होती है तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं इनको हम आहार में ज़्यादा तवज्जो दें और शहद जो होता है ये भी कफ को कम करने में बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करता है लेकिन वो शहद ओरिजिनल होना चाहिए जो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती है वो शहद होना चाहिए तो उस प्रकार का अगर हम ये आहार में ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य अपना ठीक रखने में मदद मिलती है दूसरा जब हम विहार की बात करते हैं तो इस सीज़न में तो दिन में सोना हमें अवॉइड करना ही चाहिए क्योंकि खास करके कफ का ऑलरेडी प्रकोप है और ऐसे में अगर आप और दिन में नींद करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होने वाला है निश्चित रूप से कफ और ज्यादा बढ़ने वाला है और, और ज्यादा शारीरिक समस्या पैदा करने वाला है तो इसीलिए वसंत ऋतु में हमें खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि तुरंत हम ठंडा पानी पीना ठंडी चीजें खाने ठंडी चीजें खाना शुरू न करें और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा आहार इस प्रकार का हो जो कपड़े हम पहनते हैं वो डार्क कलर के कपड़े हमें ज्यादा नहीं पहनने चाहिए इस सीजन में क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा लाइट शेड के कपड़े इन दिनों में हमें पहनने चाहिए अगर धूप से हमें तकलीफ महसूस होती है तो धूप से अपने आप को बचाने के लिए साथ में छाता लेकर भी निकल सकते हैं वैसे देखो बरसात के दिनों में तो लोग छाता निकल छाता लेकर बाहर निकलते हैं लेकिन गर्मी में छाता लेकर निकलना थोड़ा सा मैंने उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं लेकिन अगर अपने आप को स्वस्थ रखना और अपने आप को अगर बचाना है धूप से चलिए मान लीजिए आपको छाता साथ में रखना थोड़ा सा अन इनकन्वीनियंट लगता है तो आप कोई कैप वगैरह भी यूज कर सकते हैं जिससे आप धूप से अपने आप को बचा सके तो इस प्रकार से वसंत ऋतु में हमें अपना आहार और विहार इस प्रकार से रखना होता है इस वसंत ऋतु के समय में हमारे शरीर का बल मध्यम होता है जठराग्नि का भी बल मध्यम होता है तो उस अनुसार ही हमें अपना आहार हमें निर्धारित करना चाहिए फिर उसके बाद में जो शुरू होता है सीजन गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है सूर्य की तीक्ष्णता और उष्णता या जो धूप है उसकी तीक्ष्णता और उष्णता और ज्यादा बढ़ने लगती है और उसको हम कहते हैं मई मही का महीना मई मही का महीना जैसे ही शुरू हो जाता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कही जाती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है उष्णता बढ़ना तो मार्च से ही शुरू हो गया था लेकिन ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो रुक्ष और उष्ण तो ये जो रुक्षता है ये जो ड्राइनेस है तो ऐसे सीजन में हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए तो देखो वैसे देखा जाए तो प्रकृति अपने आप ही ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करती है मैं तो सभी को ये कहूंगा कि जो भी सीजनल फल होते हैं जो जिस सीजन में उत्पन्न होने वाले हैं आजकल तो क्या होता है बारह ही महीने सभी फल मिलते हैं लेकिन वो ठीक नहीं है जैसे आम का सीजन है ग्रीष्म ऋतु तो उसी सीजन में उसको खाना चाहिए तो अगर हम अगर उसको अगर दूसरे सीजन में खाते हैं तो वो उतना लाभदायक नहीं होता है तो इसलिए जो भी सीजनल फल है प्रकृति जिन फलों का निर्माण हमारे लिए करती है क्योंकि प्रकृति एक प्रकार से हमारी माँ है परमात्मा हमारे पिता है प्रकृति माँ है तो वो हमारे हित की बातें ही करती है तो इसीलिए जिन फलों का निर्माण नेचुरली होता है जिस सीजन में उन फलों का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि फलों में ऐसे तत्व होते हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं और वो हमें बीमारी से बचाने में मदद करते हैं क्योंकि बीमारी क्यों होती है हमारे शरीर में जब फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है और ये जो फलों में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं तो इसीलिए दिन में जैसे एक टाइम होता है ना घर में कि सभी बैठ के इकट्ठा चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं उसके बजाय क्या करना चाहिए जो भी सीजन के फल है वो हमें उस समय खाना चाहिए तो निश्चित रूप से उससे हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी तो ग्रीष्म ऋतु जैसे ही आता है तो हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आता है तो हमारी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है और ज्यादा और शरीर का बल भी कम हो जाता है तो शरीर का बल भी अच्छा रहे और जाठराग्नि को पचाने के लिए भी सुलभ हो ऐसा आहार हमें लेना चाहिए माना वो मीठा होना चाहिए मधुर रसात्मक होना चाहिए लेकिन लघु माना पचने में हल्का इस प्रकार का आहार होना चाहिए इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो है वो है तरबूज जैसे हम सभी जानते हैं ना कि गर्मी के दिनों में हमें ये फल ज्यादा देखने में आता है जो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और ये टेस्ट में भी मीठा होता है पचने में भी हल्का होता है तो इसीलिए इस प्रकार के फलों का सेवन क्योंकि गर्मी में ज़्यादा हमें क्या होता है कि भूख तो ज़्यादा लगती नहीं है ज़्यादा खाने की भी इच्छा नहीं होती है ज्यादा से ज्यादा पानी पियो अलग अलग प्रकार के जूस पियो ये ज़्यादा इच्छा होती है और गर्मी के दिनों में क्या है जो खट्टे फल हैं जैसे आम है है ना तो आम का पना भी बनाकर वो पी सकते हैं क्योंकि वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है उसको रुद्र कहा गया है और वो तुरंत जो है वो क्या करता है नरिशमेंट देता है शरीर को तो इस प्रकार से आम और तरबूज ये जो प्रकृति से अपने आप जो फल बने क्योंकि आम की विशेषता ये होती है कि वो मीठा तो होता ही है साथ में वो हमारे शरीर को बल शरीर का बल जो है वो बढ़ाने में हमें हेल्प करता है तो तरबूज जो है वो क्या करता है हमारे शरीर का जो वाटर कंटेंट जो लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी की उष्णता और तीक्ष्णता से उसको नॉर्मल रखने में हमें मदद करता है तो इसीलिए इस प्रकार के जो फल हैं और हमारा आहार भी इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें मीठे रस को ज़्यादा हमें प्रधानता देनी है लेकिन वो पचने में हल्का होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो मीठी चीज़ें होती है वो पचने में हेवी होती है तो इसीलिए गर्मी के दिनों में मीठा ज़रूर खाएं लेकिन वो मीठा कैसा हो जो तरबूज जो होता है जिसको कलिंगड़ कहते हैं तो उसके जैसा वॉटर मेलन है ना तो वाटर मेलन का जो फल होता है वो जैसे मीठा भी है उसमें लिक्विड कंटेंट भी ज्यादा है और वो पचने में हल्का भी है तो इस प्रकार का ही आहार हमें ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में लेना चाहिए और खास करके जो हमें देखने में आता है कि ग्रीष्म ऋतु में धीरे धीरे जो है वायु का संचय होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो रूखापन बढ़ जाता है ना तो उस रूखापन को जो है वो उस रूखेपन की वजह से क्योंकि वायु का ये एक गुण है रूखापन ये वायु का गुण है तो वो रुक्षता जितनी ज्यादा बढ़ने लगती है उतना उतना वायु धीरे धीरे संचित होने लगता है तो इसीलिए हमें मधुर रसात्मक आहार ज्यादा लेना चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया कि जो पचने में सुलभ है पचने में हल्का है इस प्रकार का आहार लेना चाहिए और कपड़े पहनते समय भी हमें सिंपल जो कपड़े हैं और जो हल्के रंग के हैं सफेद कपड़े हम ज्यादा इन दिनों में पहन सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इस प्रकार से और गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कैप से भी बहुत माना प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है हमारा तो शर्मिंद की कोई बात नहीं है छाता लेके भी आप निकल सकते हैं अपने आप को अपनी धूप से रक्षा करने के लिए तो इस प्रकार से गर्मी के दिनों में खास करके वसंत और ग्रीष्म ऋतु में अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमने आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर किया तो निश्चित रूप से ऐसे ही आप बने रहिए और नई नई बातें जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे अभी जो बचे हुए दो ऋतु हैं वो अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे कि इन ऋतुओं में इन सीजन्स में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति